हेलो एंड वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स। इंडिया में अब रीट्स जबरदस्त तरीके से काम करने लगा है। यहाँ पर सिर्फ रीट्स में ना सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स बल्कि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी रीट्स काफी फायदेमंद है। रीट्स से बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि रीट्स में आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे लो कैपिंग है। 2 से 3 लाख रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको अपनी प्रॉपर्टी भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ रीट्स को यानी कि रियल एस्टेट ट्रस्ट को आपको अपना पैसा देना है, वो आपका पैसा आगे इन्वेस्ट करेंगे। So we just had the first REIT that has come out last week and it's got a good listing. REITs is a story in the making for a long period, but the latest set of regulations came about 4 years back, and after that there have been a series of changes in the regulations, and Blackstone Embassy has come up with the first REIT. It's interesting in the Indian context because it while REIT is a strong instrument globally, so the biggest hurdle before going for the listing was understanding whether domestic investors, institutional investors, domestic institutional investors, high net worth individuals, how would they understand REIT as a product and how would they react to it. Now post subscription there's a lot of enthusiasm for the product. REITs ka matlab hai a real estate investment trust. ये जो ट्रस्ट है इसमें पूरा का पूरा पैसा आपका सेफ रहता है और यहाँ पर श्योर शॉट आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं। 3 मॉडल आपको समझाएंगे, वीडियो वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट में है ये और कैसे फ़ायदा पहुँचता है। सबसे पहले आपको बताते हैं रीट्स बिल्कुल जो है म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करता है। अब तक अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं या करते रहते हैं आम बात है, तो ये भी जो है म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करता है। बाइंग और सेलिंग यहाँ पर ईजिली होती है। अगर हम सबसे पहले मॉडल की बात करेंगे, इक्विटी मॉडल आपको समझाऊंगी। सबसे पहले इक्विटी मॉडल को देखते हैं कि कैसे काम करता है। इक्विटी मॉडल में जो ये रीट है, यहाँ पर जैसे हमने ट्रस्ट की बात की है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे। आपकी मर्जी है, आप कितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम कैपिंग मैंने आपको बता दी है, 2 से 3 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इंडिविजुअल्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कंपनीज भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब रीट्स आपके पैसे का क्या करेगा ये आपको बताती हूँ। रीट्स जो है इससे आपके पैसे से आपको कैसे रिटर्न मिलेंगे, कैसे प्रॉफिट आएंगे इक्विटी मॉडल के तहत, ये आपको बताते हैं। यहाँ पर रीट्स आपके पैसे से होटल्स, ऑफिस स्पेस, रिटेल मॉल या फिर किसी भी तरह की कमर्शियल स्पेस को परचेज करेगा, बाय करेगा, और उसके अलावा बाइंग सेलिंग चलती रहेगी। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे प्रॉफिट मिलेगा, जो रेंट आएगा रीट्स के पास यहाँ से, इन मॉड्यूल से यहाँ पर रेंट आएगा, इन मॉडल से जो रेंट आएगा वो आप पर डिविडेंड्स डिवाइड होंगे। 6 महीने में एक बार या फिर साल में एक बार जो है सारे के सारे डिविडेंड्स जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएंगे। REITs provides alternate investment option for retail investors who may not be able to directly invest in commercial real estate but can kind of gain the benefits of commercial real estate by these instruments with a minimum investment of about 2 lakh rupees. So they get a share of the growing commercial real estate market leasing center. दूसरा मॉडल है मॉर्गेज मॉडल। मॉर्गेज रीट्स की बात करेंगे। मॉर्गेज रीट्स में सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ तक का प्रोसेस जो इन्वेस्टमेंट का है कि कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, ये सब सेम रहेगा। यहाँ जाकर के रीट्स जो आपका पैसा है वो पैसा जो है ऑफिस स्पेस, मॉल, होटल्स या फिर किसी भी तरह की कंपनी को वो लोन पर देगा। आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा ये बता देती हूँ। जो इंटरेस्ट आएगा, जो ईएमआई जो यहाँ पर जो लोन जिसको दिया है, जो ईएमआई देगा, जो उस पर इंटरेस्ट पार्ट है, वो इंटरेस्ट पार्ट यहाँ पर कंपनीज में, इंस्टीट्यूशंस में या फिर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाएगा। थर्ड मॉडल कहलाता है हाइब्रिड रीट्स। अब हाइब्रिड रीट्स का क्या मतलब है, यानी कि रीट्स जो है, जो ट्रस्ट है वो दोनों मॉडल पर काम करेगी, या तो वो लोन देगी या फिर वो बाइंग सेलिंग में आ जाएगी। दोनों मॉडल को मिला करके हाइब्रिड रीट्स पर काम किया जाएगा और आपको जो है इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट जो है उसके जरिए आपको आपके रिटर्न्स मिलते रहेंगे। तीनों मॉडल के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब रीट्स कैसे काम करता है, सेबी के अंडर रीट्स काम करता है, यानी कि सेबी में रजिस्टर करवाना रीट्स को बेहद जरूरी है। रेगुलेशंस दैट सेबी हैज कम अप विद, अगेन देयर हैव बीन इट्स बीन कवर्ड फ्रॉम वेरियस एंगल्स इन टर्म्स ऑफ द इन्वॉल्वमेंट एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द स्पॉन्सर्स, द मैनेजर, द ट्रस्टी, एंड
More importantly, the duration, the sponsors need to remain involved in the assets. It doesn't seem like it's a cash out option, but more like a sustained long-term model that SEBI is looking at, which is why REITs are a successful tool overseas. Stock market mein tabhi wo kaam kar payenge agar SEBI ke under registered hain. 100% ke jo corpus mein se 80% jo paisa hai wo completed projects ke liye hi sirf use hoga. Jo REITs jo 80% hai jo completed projects mein invest hua hai usse jo hai rent generate hoga. Wahi paisa jo hai aap individuals mein ya companies mein dividend ke taur pe distribute hoga. Yahan par aapko batayenge ki REITs mein agar invest kiya hai to lock in period 3 years ka 80% पैसा जा करके safely invest होगा जिससे rent आए 20% जो पैसा है वो risky assets में जा सकता है यानी कि जो project under construction है जो तैयार नहीं हुए हैं ready to move in नहीं है वहाँ पर वो पैसा डाला जाएगा इसमें से सिर्फ 10% जो 20% के जो corpus की हम बात कर रहे हैं 10% पैसा ही सिर्फ under construction मकानों में projects में लग पाएगा जो rest 10% है वो बतौर REITs जो है जो trust है वो loan देने में utilize करेगी वो पैसा यहां पर हम आपको बताएंगे कि जो मॉर्गेज है वो भी सिक्योर्ड मॉर्गेज में ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसके अलावा जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं जो स्टॉक्स खरीदे जाएंगे वो रियल एस्टेट कंपनीज के खरीदे जाएंगे जो लिस्टेड कंपनीज हैं 75% जो पैसा है REITs की जिम्मेदारी होगी ये रूल्स के तहत SEBI के कि 75% पैसा रेंट के जरिए जनरेट किया जाए जो पैसा है वो अनयूटिलाइज्ड FSI और TDR के लिए भी यूज होगा यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स और ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स के लिए यूटिलाइज जो अनयूटिलाइज है वहां पर वो पैसा यूज किया जाएगा इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैश मनीज मार्केट में भी पैसा यूटिलाइज होगा जो ट्रस्ट है वो वैकेंट लैंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा यानी कि जो बेयर लैंड है वहां पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और साथ ही एग्रीकल्चर लैंड में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा ये SEBI के रूल्स हम आपको बता रहे हैं इसके अलावा जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल जो लैंड खरीदी गई है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के लिए वहां पर REITs इन्वेस्ट कर सकता है 75% जो पैसा है वो रेंटल से रिकवर किया जाएगा सो दैट वो इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो इसमें SEBI के रूल के हिसाब से लेंडिंग जो है वो परमिटेड नहीं है रूल्स जो है जो प्रॉफिट डिवीजन के हैं वो भी फॉलो करने पड़ेंगे 90% जो पैसा है वो रेंटल इनकम से जो डिस्ट्रीब्यूट होगा जो REITs ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और वो सेल करना चाह रहे हैं जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है उसके क्या रूल्स हैं ये भी आपको बता देते हैं अगर तो प्रॉपर्टी सेल हुई है और जो सेल करके जो पैसा मिलेगा वो इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा और अगर मान लीजिए REITs जो है दूसरी ट्रांजेक्शन कर रहा है दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस केस में क्या होगा उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन हर 6 महीने में करना बेहद ज़रूरी है 6 महीने या फिर 1 साल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करना ही पड़ेगा अब इसमें फटाफट से आपके लिए बता देते हैं कि कैसे पब्लिक ऑफर के ये लिए REITs काम करता है यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक ऑफर इज ऑल्सो पॉसिबल इन REITs और टोटल वैल्यू जो होगी उसकी 500 CR 500 करोड़ रुपये वैल्यू होनी चाहिए तभी वो इन्वेस्टमेंट हो पाएगा इसमें जो पब्लिक में पैसा फ्लोट होना है वो 25% है 25% मिनिमम होना चाहिए पब्लिक फ्लोट के लिए इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर जो 25% पैसा है जो पब्लिक फ्लोट के लिए है वही डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाएगा मिनिमम ऑफर साइज मैं आपको बता देती हूँ 250 CR जो है वो मिनिमम ऑफर साइज है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करें पर इंडिविजुअल यानी कि अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो कम से कम आपको 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करने ही करने हैं अगर बात करें यहाँ पर ट्रेड की हम बात करेंगे तो वो 1 लाख है वो कैसे है आपको ये समझाते हैं 20 लाख रुपए मान लीजिए अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं और उस 20 लाख रुपीज में से आपको 1 लाख जो है वो आप यूज कर सकते हैं इधर से उधर ट्रेडिंग के लिए एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहेंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसमें आप 2 से 3 लाख का नहीं बल्कि 1 लाख से भी शुरुआत कर सकते हैं जो लिस्टिंग जो है यहाँ पर लिस्टिंग की बात करेंगे वो 200 बेस पर रहेगा सब्सक्राइबर्स का अगर 200 सब्सक्राइबर्स नहीं है तो वो लिस्टिंग REITs की नहीं होगी SEBI में बेनिफिट्स की बात करते हैं पब्लिक के क्या बेनिफिट्स हैं इसके लिए यहाँ पर
सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये है कि लो एंट्री पॉइंट है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगर सबसे सस्ता मकान भी लेंगे तो उसमें आपको 25 लाख रुपीज़ या फिर 40 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप 1 से 3 लाख के जो कॉर्पस है उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। जो यहाँ पर बैंक क्रिएट होगा, जो इन्वेस्टर्स होंगे उसका पूरा का पूरा बैंक क्रिएट होगा, वो उसी तरीके से आगे काम करेंगे। पब्लिक बेनिफिट के लिए ये भी एक चीज़ आपको बता दें कि ये रिस्क फ्री है, इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ देखना ये है कि वो सेबी में रजिस्टर्ड हो तभी इन्वेस्ट करें। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की तरह ये काम करता है, हमने आपको पहले भी बताया था। जो यूनिट की कॉस्ट है वो 2 लाख रुपये रखी गई है। स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करता है, वो बिल्कुल भी वैसे काम नहीं करेंगे। जो रेंटल्स हैं वो सीधे श्योर शॉट आपके पास पहुँचेंगे। इसमें गुड और स्टेबल रिटर्न्स हैं। इसके अलावा 7 to 10% जो रेंटल इनकम है वो आपके पास आएगी ही आएगी। इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन भी है, इसमें फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं है रेंटल्स की, वो श्योर शॉट आपको मिलेंगे, हम आपको बता चुके हैं। इसका जो पूरा का पूरा रीट्स का प्रोसेस है ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन आपको सब कुछ दिया जाएगा, रेट्स डिस्क्लोज किए जाएंगे कि कहाँ बाइंग सेलिंग हो रही है, आपको जो रेंटल्स बताए जाएंगे, इसके अलावा आपको सारी चीज़ें जो है प्रोफेशनल तरीके से समझाई जाएंगी कि इस तरीके से ये रीट्स काम करेगा। यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि प्रोफेशनल्स मैनेज करेंगे, आपको अपने टेनेंट्स को मैनेज नहीं करना है, क्योंकि रीट्स जो है आपके टेनेंट्स को मैनेज करेगा और आपको प्रॉफिट आगे पहुँचाएगा। तो रीट्स के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आप भी चाहें तो रीट्स में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग पॉलिसी मैटर्स।